रोहन गुप्ता, इस बात का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं कि भाई जो अदालत ने कहा गलत कहा क्या, गैर वाजिब कहा? नहीं, मैं तो बिल्कुल जवाब दिए, मैं तो आपको सवाल पूछ रहा हूं कि हाई कोर्ट ने जजमेंट छोड़ा दिया। आप 10 मिनट, मैं तो सारे जवाब दिए। अरे आप अपना वन साइडेड गरिमा जी, आपके शो पे आप जज नहीं बन सकती हैं। आप इस बात को बोलिए, गरिमा जी आपको सुनना पड़ेगा, पहले आपको सुनने की आदत नहीं, गलत नहीं बोला, वेलकम टू हलर मीटर। दोस्तों, एनकाउंटर और फेक एनकाउंटर पर सियासी भूचाल मचा हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कुल 3 एनकाउंटर सुर्खियों में है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव सर पर है। विपक्ष भाजपा सरकार पर एनकाउंटर को लेकर सीधा हमलावर है और आरोप लगा रही है कि सरकार जानबूझकर कहीं जाति देखकर तो कहीं खुद के लोग बचाने के लिए ऐसे फेक एनकाउंटर कर रही है। इसी मुद्दे पर देखिए ये स्पॉट डिबेट। रोहन गुप्ता, तो ये पॉलिटिकल एनकाउंटर, पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए एनकाउंटर कि मंगेश यादव को एसटीएफ पकड़ने निकली, शॉट डेड ऑन हेड, अनुज प्रताप सिंह को एसटीएफ पकड़ने निकली, शॉट डेड ऑन हेड, अक्षय शिंदे को पुलिस की कस्टडी में जब गोली मारनी पड़ी आत्मरक्षार्थ, तो छोटी सी वैन में भी नाकाबू हुआ, वो नाकाबू हो पाया, शॉट डेड ऑन हेड। इस सब पॉलिटिकल कोइंसिडेंसेस हैं क्या? आइए देखते हैं, मजा आएगा। आपके जो कैप्शन आपने दो रखे हैं, मेरे लिए दिमाग में भी एक कैप्शन आ रहा है कि पुलिस ने गोली खाई वो आपको नजर नहीं आई। गरिमा जी, कब से आपने हाई कोर्ट की टिप्पणी के बारे में ये कहा और हाई कोर्ट की टिप्पणी के आधार पे आप ये निष्कर्ष पे आ गए, ये तो गलत हुआ है। हम कैसे कह सकते हैं? हाई कोर्ट का काम है सवाल पूछना और पुलिस का काम है जवाब देना। क्या हमारा जो एपीआई है उसने जो गोली खाई वो फर्जी है? क्या कोई आदमी अपने को खुद को गोली मार लेगा? आप उसके ऊपर सवाल ही नहीं उठा रही। गोली खाने के बाद गोली मारना आप बोल रहे हैं, उसके ऊपर सवाल उठा रही है, तो उस गोली पे तो सवाल उठाइए। कभी आपने उस एपीआई का इंटरव्यू का तब उससे पूछिए और फिर जवाब लीजिए ना। देखिए, हाईकोर्ट का काम है, यहाँ पे जब लॉ की बात आती है, जस्टिस की बात आती है, जब भी ऐसा कोई वाकया होता है हाईकोर्ट सवाल पूछती है, पर उस सवाल के ऊपर से जिस हिसाब से आपने स्टार्टिंग की, तो 10 मिनट आप जजमेंट पे पहुंच गए की फर्जी है, मेरी उस पर आपत्ति है। नहीं, सुनिए ना, एक मिनट गरिमा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, गरिमा जी, आपको आपने हाईकोर्ट में दो जजेस बैठे हैं। नहीं, आप वो सारे सवाल गैर वाजिब बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ये कहा उनका सवाल पूछने का अधिकार है, पर वो सवाल के बिना पे आप जो जजमेंट पे आ रही वो आपकी गलती है। आप गलत जजमेंट पे आ रही है। आप शुरुआत से जो लाइन आपने पकड़ी है, हाईकोर्ट का काम है सवाल पूछना। अरे मैंने कोई रोहन गुप्ता लाइन नहीं पकड़ी, गलत होता है तो भी आपको जजमेंट आ रही है। आपने लाइन पकड़ी, आप सुन लीजिए। नहीं, वो ठीक है, वो सवाल वो नहीं सुन लीजिए गरिमा जी। नहीं, आज मेरी बात सुनेंगे आप, बीच में नहीं बोलेंगे। हम कैसे नहीं गरिमा जी, आप मेरी बात को नहीं, आप नहीं बोलेंगे गरिमा जी। अगर आप बुलाती हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। रोहन, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैंने पूरी बात सुन ली आपको। आपको नहीं, आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप मेरी लिंक, आप बीच में मत बोलिए गरिमा जी। आपको सुनना पड़ेगा पहले, आपको सुनने की आदत नहीं, गलत नहीं बोला। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मैं कोई व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ। कहाँ से व्यक्तिगत? मुझे सुनने की आदत है या नहीं, ये आप पे नहीं करेंगे रोहन गुप्ता। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप जजमेंट लेके आए? बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की वो गैर वाजिब थी क्या? कहाँ से लेके आ गई? नहीं, उन्होंने कब कहा हाईकोर्ट ने, कब कहा कि ये गलत था, फर्जी? आप जजमेंट दे दिया हाईकोर्ट ने, आज सवाल पूछे हाईकोर्ट ने, पुलिस उसका जवाब देगी, उसके ऊपर आप बात करिए ना। पर आज तो आप जजमेंट पे पहुंच गई, क्या कहां चली गई दो गोली, यहां पे क्यों लगी? अरे पुलिस जवाब देगी। आप सवाल तो पूछिए, आप सवाल पूछिए, हाईकोर्ट के ऊपर टिप्पणी कीजिए, पर जजमेंट पे आने का अधिकार किसी को नहीं है गरिमा जी। हम सब यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं। मैं आपका, अरे भाई रोहन गुप्ता, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। नहीं, अरे ऐसा नहीं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अदालत की है जो लाइन है, पास रखिए। आज मैं कभी भी आपको गरिमा जी, चार सवाल और उसके बाद विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, नहीं बिल्कुल, ये कब का के फर्जी है, ये कब कहा कि आपका फर्जी, वो बताइए ना। आप तो जजमेंट नॉट बी टर्मड एज एन एनकाउंटर, ये एनकाउंटर के तौर पर इसको नहीं लिया जा सकता। दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस, दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस टू द पुलिस। तो गलत सवाल पूछ रही है क्या? क्वेश्चंस यही तो पूछ रही हो आप। नहीं, आपने जजमेंट पे चली गई। आप क्या बोल रही है, यहाँ कैसे लग गई, दो गोली कहाँ चली गई? तो क्या एपीआई ने गलत गोली खाई? एपीआई ने अपने आप अपने पांव पे गोली मारी? ये कैसे सवाल पूछ रही? अरे रोहन गुप्ता, ये सवाल मैं नहीं पूछ रही हूँ भाई। नहीं, आप जजमेंट पर, अरे गरिमा जी, आप जजमेंट पर मत आइए। नहीं बोला हूँ आपको, आज आप जजमेंट पे जा रही है, मेरे उस पे आपत्ति है। रोहन गुप्ता, जिसने भी गलत किया हो
आप अपना शो रो अपने अपने शो को रिवाइंड करके गरिमा जी जब खत्म हो देख लीजिए। मैं कभी भी आज तक नहीं बोला, पहली 10 मिनट जिस प्रकार से आप पूरी चीज को लेके गई, मैं आप पर आसान है रोहन गुप्ता, सवाल का जवाब पुलिस का काम है, पुलिस का काम है जवाब नहीं, आप फर्जी का आप सर्टिफिकेट आपका मेरा काम नहीं करना हो नहीं सकता। आप कैसे पूछ रही है फर्जी, आप कैसे बोल सकती हैं कि ये गलत एनकाउंटर है? आपने कैसे हाईकोर्ट बोल रहा है भाई, पढ़िए वर्डिक्ट जरा हाईकोर्ट का निकाल कर। चैलेंज के साथ बोलता हूँ गरिमा जी, हाईकोर्ट ने कब कहा कि फर्जी है, दैट डजंट मीन इट इज फेक। दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस, नो गरिमा जी, दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस एंड पुलिस विल आंसर दोज क्वेश्चंस, बट टिल दैट टाइम वी शुड होल्ड अवर हॉर्सेस एंड वेट फॉर द पुलिस टू रिप्लाई एंड देन कमेंट ऑफ हाईकोर्ट। अगर हाईकोर्ट उसके बाद भी संक्षेप करती है, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ, पर आज नहीं कर रहे गरिमा जी। आज अदालत ना तो रोहन गुप्ता, अब सुन लगी है, अब थोड़ा सा धैर्य रखिए रोहन गुप्ता, इस बात का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं कि भाई जो अदालत ने कहा गलत कहा क्या, गैर वाजिब कहा? नहीं, मैं तो बिल्कुल जवाब दिए, मैं तो आपको सवाल पूछ रहा हूं कि हाईकोर्ट ने जजमेंट सुना दिया, ट्रेंड ऑफिसर, आप 10 मिनट, मैं तो सारे जवाब दिए। अरे आप अपना वन साइडेड गरिमा जी, आपके शो पे आप जज नहीं बन सकती हैं। अच्छा रोहन, मैं ये एक आंकड़ा और दे दूं आपको, आपकी सरकार ने 19 मार्च को शपथ ली थी 2017 में योगी आदित्यनाथ ने, 20 मार्च 2017 से 5 सितंबर 2024 का ये आंकड़ा है, 12,964 एनकाउंटर हुए, हर दिन 13 दिन में एक एनकाउंटर हुआ, 13 दिन में एक एनकाउंटर। तो जो कि किसी विशेष परिस्थिति में होना है, एनकाउंटर की बात करें गरिमा जी, जैसे आप एनकाउंटर पे सवाल उठा रही है, देखिए हमारे वहाँ पे पूरा लॉ एंड ऑर्डर है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अभी आपने कहा कि एक ऑफिसर को सजा हुई, जिसने गलत किया उसको सजा मिलेगी ना, ऐसा तो है नहीं कि सजा नहीं मिलेगी, हम कोर्ट पे सवाल क्यों उठाएं? मेरी सिर्फ इतनी कहने की बात है कि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, आज हमारे पुलिसकर्मी ने पाल में गोई खाई है, हमारी संवेदनशीलता उसके प्रति होनी चाहिए। और अगर रिपोर्ट के बाद में हकीकत ये निकल के आती है कि इसमें कुछ गलत है, बिल्कुल वहां पे कार्यवाही होनी चाहिए, मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूँ, पर हमको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि हम टीवी डिबेट में बैठ के जजमेंट, मुझे बस नहीं, उसके पाँव में तो लगी है, एपीआई को लगी, उसके तो बोलिए आप एपीआई का नाम तो बोले, जिसको पाँव में गोली लगी उसका इंटरव्यू लीजिए, आप उसके बारे में कुछ भी एक शब्द नहीं बोले। आपने मुझे बताइए, वो फर्जी है गोली, मुझे बताइए गरिमा जी, एक छोटी चीज मुझे बताइए, किसी व्यक्ति को ये कोई भी व्यक्ति अपने पाँव में फर्जी गोली मारेगा? मुझे एक चीज तो बताइए, आप सारी चीज को सवाल उठा, मुझे भाई अभी प्रदीप शर्मा के मामले में कह दिया ना अदालत ने, उसमें भी जख्मी हुए थे पुलिस नहीं, मैं उसका अरे मैं आपको अलग सवाल पूछ रहा हूँ, मैं अभी आपको सवाल पूछ रहा हूँ कि आज जो एपीआई की हम बात कर रहे हैं, क्या कोई आदमी अपने पाँव में फर्जी गोली मारेगा? क्योंकि आप पूरे इंसिडेंट पे अगर सवाल उठा रही है तो इसका मतलब वो भी फर्जी है। मेरा सिर्फ इतना सवाल है आपसे, मैं और कोई सवाल आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, अगर इसका आप जवाब देंगे मैं आपके साथ कहा, ये तो अदालत ने पूछा रोहन, लेकिन मैं दूसरा सवाल आपसे कह रहे हैं, बिल्कुल आप कह रहे हैं भाई अदालत तय कर देगी, हम अदालत में जवाब दाखिल कर देंगे, अदालत में जवाब दाखिल करेंगे 31 साल बाद मुकदमे का फैसला आएगा, तरन तारण में 31 साल बाद आया, अरे यार वो तो अदालत में सवाल पूछिए, 31 साल बाद आया वो, आप सवाल को पूछ अदालत को पूछिए ना, उसमें मेरे को क्यों सवाल या सरकार को क्यों सवाल पूछ रही है, सरकार अपना काम करेगी, जो प्रोसेस है न्यू प्रोसेस फॉलो करेगी, पर आप जजमेंट मत करिए ना, आप जजमेंट नहीं कर सकती है गरिमा जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है, अगर पुलिस को गोली लगी है आप यहाँ पे डिबेट में बैठ के उसको ये खारिज नहीं कर सकती है कि ये फरीज है। ठीक है रोहन, अनिल यादव जी, सत्ता ऐसी नशीली दवा है क्या? देखिये भाई देवेंद्र फडणवीस भी कह देते हैं आत्मरक्षार्थ चला दी, पोस्टर लगे हुए हैं बदला पूरा, और कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मैसेजिंग उसे ना समझे, बदला पूरा किसने पोस्टर लगाया भाई देवेंद्र फडणवीस का? लेकिन और ये सुशी बेन से सवाल पूछूंगी, मुझको जवाब देना चाहूंगा, लेकिन अनिल यादव ये चोर चोर मौसेरे भाई का खेल है क्या? नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि बदला पूरा ये क्या तरीका है, आप मुझे तो बताइए कि सरकार का काम न्याय देना है या बदला लेना है? बदला लेते हैं बदमाश गुंडे जिनका कानून की व्यवस्था में विश्वास नहीं होता, जो हमारे देश के संविधान को नहीं मानते, सिस्टम को नहीं मानते, इस प्रशासन शासन को नहीं मानते, लेकिन जब सरकार ही बदला लेगी तो सरकार और गुंडों में अपराधियों में क्या अंतर रह जाएगा? बिल्कुल जलवा था। सुनिए ऐसा नहीं है गरिमा जी, मेरी बात सुनिए, होता क्या है कि कई बार देखिए मैंने मैंने इस भूमिका से मना नहीं किया कि कई बार ऐसे मौके आते हैं और
अपनी, मैंने कहा कि अगर किसी भी सिपाही पे किसी भी जवान पर गोली लग रही है तो वो निश्चित रूप से, और इसके प्रावधान है भाई, वो सेल्फ डिफेंस में गोली चला सकता है और वो गोली कहीं भी लग सकती है। आपको इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आप पैर में मारेंगे, लेकिन कोई मौका ऐसा होता है कि आप छाती में भी मार देते हैं, आप सामने भी मार देते हैं। बात उसकी नहीं है, बात यहां पर दूसरी है। बात एनकाउंटर के जरिए जो भारतीय जनता पार्टी और ये जो इनके सहयोगी दल है, ये जो महाराष्ट्र में अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सवाल तो उस पर है। राजकुमार भारती, 10 सेकंड में, पॉलिटिकल खेल है, उधर भी इधर भी, पक्का पॉलिटिकल खेल है। और ये कमजोर लोग और जो अयोग्य लोग होते हैं वो इसको अपनाते हैं, गैरकानूनी तरीके वो अपनाते हैं। अपराधी भी अपराध तभी करता है कि वो अयोग्य होता है और कमजोर होता है। तो वही साथियों, महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल के शौचालय में 4 साल की 2 लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे की मौत विवाद का विषय बन गई है, क्योंकि विपक्ष ने इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया है और कहा है कि मुख्य आरोपी की हत्या करके ये भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो सकती है। इस डिबेट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।